मैक्सिमा या मिनिमा एक्सट्रीमा निकाल सकते हैं कि फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, किस पॉइंट पे मिनिमम होगा। इसी से रिलेटेड जब हम मैनिफोल्ड के ऊपर देखते हैं कि हमने कोई किसी फंक्शन का मैक्सिमम कहाँ पे है या मिनिमम कहाँ पे है, तो वो जो थ्योरी उसको डिक्टेट करती है वो क्रिटिकल पॉइंट थ्योरी कहलाती है। अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ सी इंफिनिटी स्केलर फील्ड, कि अगर कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है किसी मैनिफोल्ड के ऊपर, एफ इज अ फंक्शन ऑन एम फ्रॉम एम टू आर, देन अ क्रिटिकल पॉइंट इज अ पॉइंट पी सच दैट डी एफ पी इज इक्वल टू जीरो। डी एफ पी का मतलब है कि द डिफरेंशियल ऑफ दैट फंक्शन एट पॉइंट पी इज इक्वल टू जीरो। इसको अगर आप बिल्कुल, मैंने राइट साइड पे रेड पेन के साथ लिखा हुआ है कि अगर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल हो तो उसका जो डिफरेंशियल होता है डी एफ, वो होता है डी एफ बाई डी एक्स डी एक्स, या पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स डी एक्स। तो डी एफ पी जीरो होने का मतलब है कि डी एक्स तो जीरो हो नहीं सकता, ये बेसिस सेट वेक्टर है कि डी एफ बाई डी एक्स जीरो हो एट पॉइंट पी। तो हम इसीलिए जब हम मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले हम यही कहते हैं कि जी पहला डेरिवेटिव जीरो पुट करें और वहां से पॉइंट फाइंड आउट करें जिस पॉइंट के ऊपर वो मैक्सिमम या मिनिमम होने की पॉसिबिलिटी हो। तो वो जो पॉइंट हम फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो पुट करके, वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। तो इन जनरल जब हम जनरल बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जो डिफरेंशियल है वो जीरो, क्योंकि जब फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स हो जाएगा, जैसे ये मैंने ये मिसाल दिया कि ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है, तो उस केस में जो डिफरेंशियल है डी एफ वो हो जाएगा पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डी वाई। अब डी एफ एट पी जीरो होने का मतलब है कि डी एक्स और डी वाई तो जीरो नहीं हो सकते, तो इसका मतलब होगा कि पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स एट पी जीरो हो और पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई एट पी जीरो हो। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं तो हम वहां भी यही कहते थे कि हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हमें उसके तमाम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स जीरो पुट करने पड़ेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स दिस मीन्स ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एफ आर जीरो एट पी, यानी कि डी एफ पी जीरो होने का मतलब है कोऑर्डिनेट्स में जब हम देखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि तमाम पार्शियल डेरिवेटिव्स जीरो हों। तो हम कहते हैं कि पार्शियल आई एफ एट पी जीरो होगा फॉर ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो तब वो पॉइंट वहां पे मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, तब हम कहेंगे कि वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होगा। अब पॉइंट पी इज रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट ऑफ एफ इफ देयर इज अ नेबरहुड यू ऑफ पी सच दैट फॉर ऑल क्यू बिलोंगिंग टू यू एफ ऑफ पी इज ग्रेटर और इक्वल टू एफ ऑफ पी। यानी कि अगर फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पी के ऊपर बाकी तमाम पॉइंट से, यानी कि उस सेट के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उसके नेबरहुड में, उस नेबरहुड के तमाम पॉइंट से अगर उस फंक्शन की वैल्यू पी पॉइंट पे ज्यादा है तो पी पॉइंट मैक्सिमम होगा, और अगर पी पॉइंट पे वैल्यू तमाम दूसरे पॉइंट से कम है तो पी पॉइंट मिनिमम होगा। यानी कि मैक्सिमम पॉइंट वो होगा जिस पे फंक्शन की वैल्यू तमाम दूसरे पॉइंट से ज्यादा हो, और मिनिमम पॉइंट वो होगा जिस पे फंक्शन की वैल्यू तमाम दूसरे पॉइंट से कम हो। इफ पी इज अ क्रिटिकल पॉइंट तो हम कहेंगे कि एफ ऑफ पी क्रिटिकल वैल्यू, यानी कि पी क्रिटिकल पॉइंट हो तो उस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्रिटिकल वैल्यू होगी। अगर पी मैक्सिमम रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट है तो एफ ऑफ पी मैक्सिमम वैल्यू होगी, अगर पी रिलेटिव मिनिमम पॉइंट है तो एफ ऑफ पी जो है रिलेटिव मिनिमम वैल्यू होगी। इफ पी इज अ क्रिटिकल पॉइंट वी डिफाइन द हेजियन ऑफ एफ एट पी टू बी द बाइलिनियर फॉर्म। तो जिस तरह वहां पे हम हेजियन मैट्रिक्स डिफाइन करते थे, इन जनरल हम उसे बेसिकली हेजियन एक बाइलिनियर फॉर्म होता है। फॉर्म हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जो अगला लेक्चर हम पढ़ेंगे उसमें। फॉर्म बेसिकली अ टेंसर फील्ड ऑफ टाइप जीरो, बाइलिनियर का मतलब है जीरो टू टाइप का टेंसर होगा। तो एच एफ ऑन एम पी, तो हम हेजियन मैट्रिक्स को एच एफ से डिनोट करते हैं डिफाइंड एज फॉलोज। और ये डिफाइन कैसे होता है, क्योंकि ये जीरो टू टाइप का टेंसर है और जीरो टू टाइप के टेंसर एम पी क्रॉस एम पी पे ऑपरेट होते हैं, तो एम पी क्रॉस एम पी का मतलब है दो एम पी के एलिमेंट्स लेंगे और उनका ऑर्डर्ड पेयर लेंगे। तो अगर दो एलिमेंट्स ले एम पी के, वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू एम पी, और डब्ल्यू जो है कैपिटल डब्ल्यू बी एन एक्सटेंशन ऑफ डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू एन एक्सटेंशन ऑफ डब्ल्यू का मतलब यह है कि कैपिटल डब्ल्यू एक ऐसा वेक्टर फील्ड है जिसको जब पी पॉइंट पे ऑपरेट करते हैं तो वो स्मॉल डब्ल्यू देता है, जिस तरह से ये मैंने मेंशन भी किया हुआ रेड पेन से कि कैपिटल डब्ल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू। तो इस केस में हम कहेंगे कि दिस कैपिटल डब्ल्यू इज एक्सटेंशन ऑफ स्मॉल डब्ल्यू, वेयर स्मॉल डब्ल्यू इज अ स्पेसिफिक और अ पर्टिकुलर टेंजेंट वेक्टर। तो एच एफ वी ऑफ डब्ल्यू हम डिफाइन करते हैं वी डब्ल्यू ऑफ एफ
इन क्वारिनेट बेसिस, जब हम क्वारिनेट्स की फॉर्म में इसको लिखेंगे तो एच एफ आ जाएगा पार्शल आई पार्शल जे एफ एट पी, ठीक है। जिस तरह से हम टू डायमेंशनल मैनिफोल्ड्स के लिए या टू वेरिएबल्स के लिए जहां पे आई जो है वन से टू तक और जे भी वन से टू तक जाता है, तो एच एफ क्या हो जाएगा, पहले आई वन जे भी वन, फिर आई वन जे टू, आई टू जे वन, आई टू जे टू, तो ये एक टू क्रॉस टू मैट्रिक्स बनता है जिसको हम खोल के लिखेंगे तो ये बनेगा पार्शियल स्केयर एफ बटा पार्शियल एक्स स्केयर, पार्शियल स्केयर एफ बाई पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, पार्शियल स्केयर एफ बाई पार्शियल वाई पार्शियल एक्स, और पार्शियल स्केयर एफ बाई पार्शियल वाई स्केयर। ये वही हेसियन मैट्रिक्स है जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के लिए आपने कैलकुलस में पढ़ा हुआ। जी सर, ये एच एफ वी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डब्ल्यू एफ, ये नहीं समझे? ये डिफाइन किया ना, यानी कि एच एफ बेसिकली जब मैनिफोल्ड के ऊपर हम डिफाइन करेंगे तो एच एफ वी डब्ल्यू का मतलब होगा वी ऑपरेट होगा कैपिटल डब्ल्यू जो है ना वेक्टर फील्ड होता है, वेक्टर फील्ड किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन पे ऐसे ही ऑपरेट होता है जैसे के सीधा सीधा ऑपरेट हो जाता है ना, कोई फार्मूला नहीं लगता, या एक्स एफ के ऊपर ऑपरेट हो गया तो डब्ल्यू एक वेक्टर फील्ड है वो एफ के ऊपर ऑपरेट हो गया तो ये उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। वी भी जो है एवरी टेंजेंट वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो ये वी भी पार्शियल डेरिवेटिव्स की फॉर्म में लिखा जाएगा, तो ये डबल जब हम कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये डबल पार्शियल डेरिवेटिव बनेगा, यानी एक पार्शियल डेरिवेटिव W की वजह से आ रहा है और एक पार्शियल डेरिवेटिव V की वजह से आ रहा है, तो दो पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे। जब दो पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे तो वो टू डायमेंशंस में टू क्रॉस टू मैट्रिक्स बनेगा जैसे हम कैलकुलस में बनाते थे। अ क्रिटिकल पॉइंट इज नॉन डिजेनरेट इफ एच एफ इज नॉन डिजेनरेट, यानी कि अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, यानी कि एक मैट्रिक्स बनता है टू क्रॉस टू या 3D के अंदर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बन जाएगा, तो ये जो मैट्रिक्स बनता है इस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो हम कहेंगे कि ये नॉन डिजेनरेट है, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो हम कहेंगे कि डिजेनरेट है। तो सर यहां पे हम एक्सटेंशन क्यों ले रहे हैं सर, इसकी क्या वजह सर? W सर जो है देखें ये जो एच एफ मैपिंग है ना ये डिफाइन इस तरह से होती है, अगर आप एक्सटेंशन ना भी ले तब भी W जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, लेकिन चूंकि बुक जो है इसको इस तरह से डिफाइन करती है, वरना आप स्मॉल डब्ल्यू भी लें तब भी मतलब यही निकलेगा, दोनों सूरतों में मीनिंग एक ही निकलता है, लेकिन इन जनरल जब हम डिफाइन करते हैं तो हम जो एक जो वेक्टर फील्ड है उसकी एक्सटेंशन ले लें। अब हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल करते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल किसी फंक्शन की वैल्यूज निकालनी है कि वो मैक्सिमम होंगी या मिनिमम होंगी, तो आपको पता है कि मैनिफोल्ड एक सरफेस होती है, तो आपको जो वैल्यूज है उस सरफेस के ऊपर निकालनी होगी, तो जब आप किसी सरफेस के ऊपर मैक्सिमा या मिनिमा निकालते हैं तो इस तरह के प्रॉब्लम्स भी हम कैलकुलस के अंदर करते हैं जिनको हम कंस्ट्रेंड एक्सट्रीमा कहते हैं, यानी कि आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम तो निकालना है या क्रिटिकल पॉइंट्स या रिलेटिव एक्सट्रीमा वैल्यूज निकालनी है, लेकिन वो किसी ऐसी सरफेस के ऊपर निकालनी, मसलन सरफेस ऑफ द स्फीयर पे निकालनी हो या किसी और सरफेस पे निकालनी हो, इस तरह का प्रॉब्लम हम कहते हैं कि ये कंस्ट्रेंड प्रॉब्लम है, या उस मजबूर हमें किया जा रहा है कि सरफेस से बाहर आप नहीं जा सकते। तो ये जो मैनिफोल्ड भी बजाते खुद एक सरफेस होती है, तो जब हम इस पे मैक्सिमा या मिनिमा की बात करते हैं तो इसके भी जो प्रॉब्लम्स होंगे वो कंस्ट्रेंड एक्सट्रीमा के प्रॉब्लम होंगे। तो फॉर एग्जांपल ये जो है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ जो कि दिया हुआ एक्स वाई प्लस जेड वाई जेड माइनस एक्स जेड ऑन एस टू, एस टू का मतलब है कि स्फीयर ऑफ रेडियस वन के ऊपर इसका मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है। एस टू हमें पता है कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो तरीकाकार इसका ये होगा कि हम लैग्रांज मल्टीप्लायर का तरीकाकार यूज करते हैं टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। उसका तरीकाकार ये होता है कि आप सबसे पहले ये जो मैनिफोल्ड दिया हुआ है इसको एक फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं कि जी ऑफ एक्स वाई जेड is equal to x square plus y square plus z square minus 1 is equal to 0. We have to find maximum and minimum values of f on the surface of a unit sphere. It is a problem of constrained extrema. Okay? Using method of Lagrange multipliers, we need to solve this equation. Method of Lagrange multiplier ये कहता है कि आपने ये equation solve करनी है कि df is equal to lambda dg. F भी given है, ये given है x y plus y z minus x z, और g भी given है, तो F given हो तो DF निकाला जा सकता है, G given हो तो DG निकाला जा सकता है। DF basically किसके बराबर होता है? Partial F by partial X DX plus partial F by partial Y DY
प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल जेड डी जेड। इसी तरह डी जी बराबर होगा पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई डी वाई प्लस पार्शियल जी बाई पार्शियल जेड डी जेड के। तो डी एफ इज इक्वल टू लेमडा डी जी के अंदर जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स जो है ये एफ है, इसमें से पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स आपको मिल जाएगा वाई माइनस जेड, पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई मिल जाएगा एक्स प्लस जेड, और पार्शियल एफ बाई पार्शियल जेड मिल जाएगा वाई माइनस एक्स। तो ये सारी वैल्यूज उठा के आप इसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, डी एफ इज इक्वल टू लेमडा डी जी के अंदर। पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स टू एक्स के बराबर है, पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई टू वाई के बराबर है, पार्शियल जी बाई पार्शियल जेड टू जेड के बराबर है। ये मैंने लिख भी दिया एक्सप्लिसिटली राइट रेड पेन के साथ। तो जब आप इस इक्वेशन के अंदर सब्सिट्यूट करते हैं और कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ डी एक्स डी वाई एंड डी जेड, तो आपके पास तीन इक्वेशंस बनती हैं। एक इक्वेशन को जब हम लिखेंगे तो बनेगी माइनस टू लेमडा एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू लेमडा वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस टू लेमडा जेड इज इक्वल टू जीरो। मैट्रिक्स फॉर्म में जब इसको एक्सप्रेस करते हैं तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जाती है जो आपके सामने लिखी हुई है। आप अगर गौर से देखें तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो और z इज इक्वल टू जीरो, इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन की निशानी होती है कि जीरो उसका सोल्यूशन होता है। लेकिन हमें तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए, जीरो सोल्यूशन तो हमें कोई हेल्प आउट नहीं करेगा। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होमोजीनियस इक्वेशन का उसी सूरत में पॉसिबल होता है कि जो कोफिशियंट मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो ये कोफिशियंट मैट्रिक्स है माइनस टू लेमडा वन माइनस वन, वन माइनस टू लेमडा वन माइनस वन, वन माइनस टू लेमडा। तो अगर इस कोफिशियंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो तब इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन पॉसिबल होगा। तो हम फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हम कोफिशियंट मैट्रिक्स को जीरो पुट कर देते हैं। जब कोफिशियंट मैट्रिक्स को जीरो पुट करते हैं उसके डिटर्मिनेंट को, तो ये क्यूबिक इक्वेशन लैम्डा देता है और इसके तीन रूट्स निकल आते हैं माइनस वन, वन बाई टू और वन बाई टू। दो रिपीटेड रूट्स हैं और एक सेपरेट रूट है। तो इसका मतलब है लैम्डा की तीन वैल्यूज हमें मिल गई। हम बारी बारी देखते हैं, पहले लैम्डा को माइनस वन रखे। जब आप लैम्डा को माइनस वन रखते हैं इस इक्वेशन के अंदर, जो ये तीन इक्वेशन है आपकी, तो पहली इक्वेशन एक इक्वेशन आपको देती है y इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड z इज इक्वल टू x। यानी कि अगर आप इनको सॉल्व करें y माइनस z इज इक्वल टू टू एक्स, एक्स प्लस z इज इक्वल टू सॉरी माइनस टू वाई और y माइनस x इज इक्वल टू माइनस टू जेड, इनमें से किसी दो इक्वेशन को सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स और z इज इक्वल टू एक्स मिलता है। x हमें इंडिपेंडेंटली हम पुट कर सकते हैं, तो आपको ये दो वैल्यूज मिल गई y इज इक्वल टू माइनस एक्स और z इज इक्वल टू एक्स। हमें x की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो पॉइंट्स हैं x, y और z, ये स्फीयर के ऊपर लाई करते हैं, क्योंकि ये मैनिफोल्ड के ऊपर होना जरूरी है। और स्फीयर के ऊपर लाई करने का मतलब है कि ये जो स्फीयर की इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन को इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम वाई की वैल्यू भी पुट कर देते हैं जो माइनस एक्स है, और जेड की वैल्यू एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच इज थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, जिससे आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन ओवर अंडर रूट थ्री। तो एक्स की दो वैल्यूज हमें मिली। x की वैल्यू अगर मैं 1 ओवर अंडर रूट 3 लेता हूं तो y की वैल्यू माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3 और z की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 3 बनेगी। तो हमारे पास ये पॉइंट बन जाता है 1 ओवर अंडर रूट 3 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3 और 1 ओवर अंडर रूट 3 फॉर x इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 3 और फॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3। ये बन जाता है माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3, 1 ओवर अंडर रूट 3 और माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3। तो ये दो पॉइंट्स हमें मिलते हैं। अगर हम लैम्डा को 1 बाई 2 लें, क्योंकि लैम्डा की दूसरी वैल्यू 1 बाई 2 थी, तो जब हम लैम्डा को 1 बाई 2 लेते हैं तो इस इक्वेशन के अंदर सब्सिट्यूट करेंगे, तीन इक्वेशन हैं, तो ये y माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स आता है, x प्लस जेड इज इक्वल टू y आता है और y माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड आता है। अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को रीशफल करके देखें तो ये तीनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन बन जाती है। जैसे मैं ये लिख रहा हूं यहाँ पे कि फॉर ऑल थ्री इक्वेशंस वी गेट z इज इक्वल टू y माइनस एक्स। तीनों इक्वेशंस हमें बताती हैं z इज इक्वल टू y माइनस एक्स, और z इज इक्वल टू y माइनस एक्स बेसिकली इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है। ये एक ऐसी इक्वेशन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है जो हमने कैलकुलस में पढ़ी हुई है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन। और ये ऐसी इक्वेशन ऑफ द प्लेन है कि ये इस पे x जीरो, y जीरो और z जीरो पुट कर दूं तो ये सेटिस्फाई हो जाती है। कहने का मतलब है कि ये ऐसी प्लेन है जो ओरिजिन के अंदर से गुजर रही है या सेंटर ऑफ द स्फीयर से गुजर रही है। तो अब एक ऐसी प्लेन है जो स्फीयर को इस तरह से काटे कि वो सेंटर ऑफ द स्फीयर से गुजर जाए,
सेंटर ऑफ द स्फीयर से गुजरने का मतलब है कि जो कॉमन पॉइंट्स होंगे स्फीयर और प्लेन के, वो एक सर्कल बनाएंगे जो ग्रेट सर्कल होगा, जिसका रेडियस स्फीयर के रेडियस के बराबर होगा. तो ये द सेंटर ऑफ यूनिट स्फीयर, द इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड एस टू इज अ ग्रेट सर्कल ऑन द प्लेन जेड इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स. तो ये ग्रेट सर्कल बनता है, और इसका मतलब ये होगा कि एफ की वैल्यू इस ग्रेट सर्कल के तमाम पॉइंट्स पे सेम रहेगी. इनके तमाम ये एक पॉइंट, एक इक्वेशन से ये पॉइंट मिल रहा है, तो इस पॉइंट के ऊपर एक्स जो फंक्शन की वैल्यू है वो सेम रहेगी. यानी कि अगर मैं किसी एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल दूं तो पूरे सर्कल पे वो फंक्शन की वैल्यू होगी. सो इफ वी फाइंड वैल्यू एट अ सिंगल पॉइंट ऑन दैट सर्कल, द वैल्यू रिमेन सेम फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ दैट सर्कल. तो वो सिंगल पॉइंट निकालने के लिए मैं कहता हूं कि पुट करें z इज इक्वल टू जीरो. जब आप z इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो y x के बराबर आ जाता है, y इज इक्वल टू x आ जाएगा. यही समझ आई जी, एक x निकालेंगे तो सब पे आ जाएगी वैल्यू. जी एक वैल्यू निकालेंगे तो सब पे आ जाएगी. जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि ये प्लेन जब इंटरसेक्ट करता है स्फीयर के साथ, ये बात समझ आ गई, तो वो सर्कल बनता है. सर्कल समझ आ गया कि सर्कल बनेगा. जी सर, जिस तरह तरबूज है ना, उसको छुरी से काटे तो उसकी जो सरफेस आप देखते हैं वो एक सर्कल आपको नजर आता है. अब चूंकि ये एक पॉइंट से निकल रहा है ना, लैम्डा इज इक्वल टू वन बाई टू वैल्यू के लिए ये एक सर्कल निकल रहा है. सर्कल में तो इन्फिनिट मैनी पॉइंट है, ठीक है, सर्कल के ऊपर तो इन्फिनिट मैनी पॉइंट है. चूंकि ये लैम्डा की एक वैल्यू के लिए निकल रहा है, तो इस एक वैल्यू के लिए इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन या मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ठीक है, तमाम पॉइंट्स के ऊपर एक जैसा बिहेव करेगा. तो अगर मैं किसी पॉइंट पे उसका बिहेवियर निकाल लूं तो वो तमाम पॉइंट्स पे बिहेवियर के बराबर है. इसलिए मुझे कोई एक पॉइंट चाहिए ताकि मैं इसका बिहेवियर देख सकूं. वो एक पॉइंट निकालने के लिए मैंने कहा जेड को जीरो पुट कर दें और वाई एक्स के बराबर आ जाएगा. तो अब मैं इसको इक्वेशन ऑफ द स्फीयर के अंदर पुट करूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन. तो जेड को जीरो पुट करें तो y की जगह x पुट करें तो ये x square plus x square is equal to 1 हो जाएगा, और x आ जाएगा plus minus 1 over under root 2. कोई एक पॉइंट लेना है तो x को 1 over under root 2 लूं तो पॉइंट बन जाएगा 1 over under root 2, 1 over under root 2 0, क्योंकि z 0 है, x और y बराबर है, तो ये एक पॉइंट आ जाएगा. तो ये तीसरा पॉइंट आ गया. तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास तीन पॉइंट्स आ गए. दो पॉइंट मैंने lambda is equal to minus 1 के लिए निकाले थे, और एक पूरा सर्कल मेरे पास आ गया, इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स आ गए, जिसका रिप्रेजेंटेटिव ये एक पॉइंट है जो इक्वेशन थ्री में लिखा हुआ है, फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन एंड द स्फीयर. अब मैं फंक्शन की वैल्यू निकालता हूं, एफ निकालता हूं. एफ मुझे पता है एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस एक्स जेड. एफ की वैल्यू एट 1 बाई अंडर रूट 3, माइनस 1 बाई अंडर रूट 3 और 1 बाई अंडर रूट 3 कैलकुलेट करो तो माइनस 1 आती है. एफ की वैल्यू माइनस 1 बाई अंडर रूट 3, 1 बाई अंडर रूट 3 और माइनस 1 बाई अंडर रूट 3 पे कैलकुलेट करो वो भी माइनस 1 आती है. और एफ की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 2, 1 ओवर अंडर रूट 2 और 0 पे कैलकुलेट करो तो 1 बाई 2 आती है. जहां पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आए वो मिनिमम पॉइंट्स होते हैं, जहां पे पॉजिटिव आए वो मैक्सिमम पॉइंट होते हैं लैग्रांज मल्टीप्लायर के मेथड से. तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर चूंकि फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आती है, therefore these two points are minimum points. और चूंकि इस एक पॉइंट के ऊपर जो के सर्कल का रिप्रेजेंटेटिव है, इस पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो ये जो पूरा सर्कल है यानी कि सर्कल के तमाम पॉइंट्स फंक्शन की वैल्यू को मैक्सिमम देंगे. सो एफ हैज अ ग्रेट सर्कल ऑफ मैक्सिमम पॉइंट्स. तो ये प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं. इसकी दो एग्जाम्पल्स मैंने जो असाइनमेंट साथ अपलोड की थी उसके अंदर इसकी दो एग्जाम्पल्स हैं, वो आपने सॉल्व कर लेनी है, वो आसान सी है. वो मैंने सर्कल के ऊपर दी हुई है, ये तो स्फीयर वाली मैंने हल करवाई है, वो सर्कल वाली दी. सर ग्रेट सर्कल क्यों कह रहे हैं इसको? ग्रेट सर्कल वो सर्कल होता है किसी स्फीयर के ऊपर जिसका रेडियस स्फीयर के रेडियस के बराबर हो. वरना तो ये है कि आप तरबूज को ऊपर से काटे, सेंटर से ना भी पास करें, वो भी एक सर्कल बनाएगा लेकिन उसका रेडियस कम हो जाए. ग्रेट सर्कल का मतलब है चूंकि सेंटर में से गुजर रहा है ना, तो इसलिए इसका रेडियस और स्फीयर का रेडियस सेम होगा, देयरफॉर इट इज नोन एज अ ग्रेट सर्कल. ठीक है, एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? किसी और बंदे ने कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है. सर ये क्या कहते हैं, रेडियस सेम होगा तो स्फीयर और सर्कल में फिर डिफरेंस क्या है सर? यस, स्फीयर स्फीयर एक बॉल की तरह होता है और सर्कल एक चूड़ी की तरह होता है. चूड़ी का रेडियस और बॉल का रेडियस सेम हो जाए तो होती तो दो डिफरेंट चीजें हैं ना. ठीक है, समझ आ गई है बात दोनों में फर्क?
नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है दैट इज रिलेटेड टू द डिफरेंशियल फॉर्म्स. बार दो तीन दफा इनका जिक्र आया और मैंने कहा कि डिफरेंशियल फॉर्म्स हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह. मैं फॉर्म्स की डेफिनेशन पढ़ाने से पहले ये इस जो राइट साइड पे मैंने एग्जांपल लिखी हुई है इसको हम पहले देख लेते हैं. अगर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स हो एफ ऑफ एक्स वाई तो उसका जो डिफरेंशियल है डी एफ वो हम लिखते हैं पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डी वाई. तो ये जो डिफरेंशियल है चूंकि ये डी एक्स और डी वाई इसके बेसिस वेक्टर्स हैं तो इसको जो भी चीज डी एक्स डी वाई के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जाएगी उसे हम वन फॉर्म कहेंगे. ठीक है, तो ये वन फॉर्म बनती है. एफ ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है इट सेल्फ इज अ जीरो फॉर्म. अगर फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स ने और उसका डिफरेंशियल लें तो पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डी है. ये भी डी एक्स डी वाई डी जेड के कॉम्बिनेशन में लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है तो ये भी एक वन फॉर्म बनती है. तो वन फॉर्म का मतलब है कि डी एक्स साथ आ रहा हो. मैं अभी इसकी मिसाल देता हूं, डिफाइन करके फिर आगे हम देखते हैं. क्या डिफरेंशियल पी फॉर्म इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि उसकी पहली निशानी क्या है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक हो, कोवेरिएंट टेंसर. दूसरी निशानी है कि कोवेरिएंट यानी कि सिर्फ नीचे वाली इंडिसेस होंगी. कोवेरिएंट का मतलब होता है कि लोअर इंडिसेस हो, जीरो वन फॉर्म का हो सकता है, जीरो टू टाइप का हो सकता है, जीरो थ्री टाइप का हो सकता है, ऊपर पे कोई इंडेक्स नहीं होगी. टेंसर फील्ड ऑफ डिग्री पी एंड टाइप जीरो पी, यानी कि पी फॉर्म जो है वो टेंसर फील्ड होती है ऑफ टाइप जीरो पी. तो पी फॉर्म क्या होती है, वन फॉर्म होगी ऑफ टेंसर फील्ड ऑफ टाइप जीरो वन, टू फॉर्म होगी टेंसर टाइप ऑफ जीरो टू, थ्री फॉर्म होगी टेंसर फील्ड ऑफ टाइप जीरो थ्री. तो ये टू के टेंसर फील्ड हमने पढ़े हुए हैं तो ये उसका स्पेसिफिक केस है. Does a zero form is a real valued C infinity function? If xi are coordinates, then dxi are a local basis for one forms. जिस तरह मैंने ये लिखा कि df जो है वो dx और dy के linear combination में लिखा जा सकता है, तो इसकी basis जो है dx common dy होगी. That is any one form can be expressed as fi dxi. तो dxi का basis होने का मतलब ये है कि हर वन फॉर्म एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डीएक्सआई की फॉर्म में लिखी जा सकती है. और लीनियर कॉम्बिनेशन डीएक्सआई का तो लिखा जाता है एफ आई डीएक्सआई, चूंकि ये रिपीटेड इंडेक्स है और आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन ये कहती है कि रिपीटेड इंडेक्स मींस अ समेशन. तो इसका मतलब है यहां ऑटोमेटिकली एक समेशन मौजूद है वेयर एफ आई आर सी इंफिनिटी फंक्शंस. बाय एक्सटीरियर प्रोडक्ट, और हमने ये भी किया हुआ है कि हम कहते हैं कि हम टेंसर फील्ड्स का एक्सटीरियर प्रोडक्ट ले सकते हैं. बाय एक्सटीरियर प्रोडक्ट डीएक्सआई जनरेट लोकल बेसिस फॉर फॉर्म्स ऑफ हायर ऑर्डर, यानी कि अगर मैं डीएक्सआई को डीएक्सआई के साथ प्रोडक्ट कर लूं तो वो फॉर्म्स ऑफ हायर ऑर्डर बन जाएगी, यानी कि वो टू फॉर्म, यानी कि दो डीएक्स आ जाएंगे तो टू फॉर्म होगी, तीन डीएक्स आएंगे तो थ्री फॉर्म होगी एंड सो ऑन, जैसे मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा. दस डीएक्सआई वेज डीएक्सजे आई इज लेस देन जे, इसको लिखना हमेशा इस तरह से है I is less than J का मतलब ये है कि जब हम इसकी बात करेंगे 2D के अंदर या 3D के अंदर, मैंने जिस दिन नीचे ये एग्जाम्पल दी है consider M is equal to 3, तो DXI वेज DXJ I is less than J का मतलब है कि DX1 DX2, यानी कि I जो है पहले वाला हमेशा दूसरे से छोटा होगा, बराबर नहीं लिख सकते, वो ऑलवेज जीरो होगी. DX1 वेज DX1, क्योंकि वेज जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेटिव होता है और क्रॉस प्रोडक्ट जो है किसी वेक्टर का अपने साथ जीरो होता है, तो DX1 वेज DX1 जीरो होगा, DX2 वेज DX2 जीरो होगा, DX3 वेज DX3 जीरो होगा. तो इसलिए जब हम M3 लेंगे तो DXI वेज DXJ I is less than J का मतलब है कि पहले वाला छोटा और अगला बड़ा लेना है. तो ये तीन ही कॉम्बिनेशन बनते हैं, पहले DX1 DX2 हो, फिर dx1 dx3 हो और dx2 dx3 हो, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता जिसमें पहले छोटा आए और बाद में बड़ा आए. और अगर थ्री फॉर्म लिखनी है, ये तो टू फॉर्म लिखी है, अगर थ्री फॉर्म लिखी है तो dxi वेज dxj वेज dxk, तो तीन फॉर्म में सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है और वो है वन टू थ्री, dx1 वेज dx2 वेज dx3 के, पहला छोटा हो, दूसरा उससे बड़ा हो, तीसरा उससे बड़ा हो, तो सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जो ये लिखा हुआ है. अगर आपके पास M4 हो, ठीक है, ये M4 है और थ्री फॉर्म्स लिखनी हो, तो थ्री फॉर्म्स हैं DXI, DXJ, DXK.
तो अब ये कॉम्बिनेशन चूंकि एम चार है तो ये 1 2 3 4 तक आपकी चली जाएगी, तो पहला नंबर आए, पहली फॉर्म आएगी बेसिस एलिमेंट आएगा dx1 dx2 dx3, दूसरा आएगा dx1 dx2 dx4, तीसरा आएगा dx1 dx3 dx4 और चौथा आएगा dx2 dx3 dx4। तो ये चार ही पॉसिबल थे एलिमेंट्स, तो इसके चार एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन अगर एम फोर हो और बेसिस फोर फॉर्म्स की लेनी हो फिर एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनता है dx1 2 3 और 4, और अगर एम फोर और टू फॉर्म्स की बेसिस लेनी हो फिर आपके छह कॉम्बिनेशंस बनते हैं 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 और 3 4, ये जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है। दस डी एक्स आई वेज डी एक्स जे आई इज लेस देन जे इज अ लोकल बेसिस ऑफ टू फॉर्म्स, डी एक्स आई वेज डी एक्स जे वेज डी एक्स के इज अ लोकल बेसिस ऑफ थ्री फॉर्म्स, एंड इन जनरल डी एक्स वन वेज डी एक्स टू वेज सो ऑन डी एक्स एम इज अ लोकल बेसिस फॉर एम फॉर्म्स। ठीक है, तो ये इस तरह से बेस। जी जी सर, ये इनका पता कैसे लगा कि इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे, कोई फार्मूला होगा? नहीं नहीं फॉर्मूला नहीं, आप वैसे काउंट भी कर सकते हैं ना, 2p वैसे बनती हैं फॉर्म्स। ठीक है, ठीक है, आपको पता है ना कि जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी बेसिस फिर आप बनाएंगे उस तरह से। फॉर नाउ ऑनवर्ड्स, जिस तरह से हमने समेशन लिखना छोड़ दिया था, हमने कहा था समेशन लिखें या नहीं लिखें, रिपीटेड इंडेक्स का मतलब है कि समेशन मौजूद है। इसी तरह से जब हम dxi dxj लिखते हैं तो अब हम इसके दरमियान वेज लिखना भी छोड़ देंगे, वेज ना लिखने का मतलब है कि वेज मौजूद है, यानी कि नहीं लिखा तब भी मौजूद है, यानी कि हम उसे लिखेंगे नहीं, dxi dxj। और ये जो चीज है ये कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, आपने इसको पहले देखा हुआ है अपने कैलकुलस के अंदर। मैं आपको याद कराता हूं कि आपने कहां देखा है। जब आप फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की इंटीग्रेशन करते हैं तो किस चीज को इंटीग्रेट करते हैं आप? आप कहते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो वो जो एफ डी एक्स लिखा होता है जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे होते हैं वो एक वन फॉर्म लिखी होती है। जब आप फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की इंटीग्रेशन करते हैं तो आप लिखते हैं एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई और उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो वहां भी वो एक टू फॉर्म की इंटीग्रेशन करते हैं, तो बेसिकली वहां पे वेज मौजूद होता है, लिखा नहीं गया। ठीक है, तो ये चीज आपने, यानी कि ये कोई नई चीज नहीं है। तो यहां भी ये हम फॉर्म्स इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम मैनीफोल्ड के ऊपर इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो मैनीफोल्ड पे इंटीग्रेशन होगी इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्म्स, वैसे भी इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्म्स ही होती है लेकिन हम कैलकुलस में उसको इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस की फॉर्म में पढ़ते हैं, लेकिन इन जनरल जो होती है वो होती है इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्म्स। तो आयदा से हम जी सर फॉर्म्स को सिर्फ हम एक्सटीरियर प्रोडक्ट से डिनोट करेंगे। जी जी एक्सटीरियर प्रोडक्ट से डिनोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर्स का जो प्रोडक्ट है वो एक्सटीरियर प्रोडक्ट ही है ना। हमने पीछे जब प्रोडक्ट लिखा था तो स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर्स के लिए जो प्रोडक्ट लिखा था वो एक्सटीरियर प्रोडक्ट था या वेज प्रोडक्ट। हमने आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन ऑलरेडी यूज की हुई है, और आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन ये कहती है कि आपको जब रिपीटेड इंडेक्स हो तो वो सम होता है, और वो सम वन से शुरू होता है और सारों पे जाता है। लेकिन हमारा मसला ये है, जिस तरह ये लिखा हुआ है मैंने रेड पेन से, कि ए आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे का मतलब है कि आई पे भी समेशन है जे पे भी समेशन है, क्योंकि दोनों रिपीटेड इंडेक्सेस है, और समेशन का मतलब है 3D के अंदर के समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to 3, समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1 to 3। तो ये 9 एलिमेंट बनेंगे a11 dx1 dx1, a12 dx1 dx2, a13 dx1 dx3, a21 dx2 dx1, a22 dx2 dx2, a23 dx2 dx3, a31 dx3 dx1, a32 dx3 dx2, और a33 dx3 dx3। ये बनना चाहिए था आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन से। लेकिन जब हम वेज प्रोडक्ट की बात करते हैं तो मैंने ये कह दिया कि जब सेम होंगे तो वो जीरो होंगे। क्यों? क्योंकि dx1 dx1 जीरो होगा, dx2 dx2 जीरो होगा, dx3 dx3 जीरो होगा। एक तो ये जीरो हो गए, और दूसरा हमने सिर्फ इंक्रीजिंग इंडेक्स लेनी है, यानी कि छोटी पहले और बड़ी बाद में, 1 2 1 3 और 2 3 ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें एक स्पेशल फॉर्म ऑफ आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन चाहिए, तो हम उस स्पेशल फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक छोट गोल ब्रैकेट लगा देंगे, जिस तरह एक काले पेन से मैंने ब्रैकेट लगाई है ना aij के इर्द गिर्द। इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ आपने इंक्रीजिंग लेना है, a12 dx1 dx2, a13 dx1 dx3, और a23 dx2 dx3, कि सिर्फ इंक्रीजिंग वालों को सम करना है, बाकी सारे छोड़ देना।
तो ये स्पेशल समेशन कन्वेंशन होगी फॉर द इंक्रीजिंग इंडिसेस, ये उसका रिप्लेस करेगी जो हम लेते हैं आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन। यही सारी बात मैंने यहां समझाई हुई है कि वी आर ऑलरेडी यूजिंग आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन, बट फॉर लोकल बेसिस ऑफ पी फॉर्म्स वी नीड अ समेशन कन्वेंशन विच गिव सम रनिंग थ्रू द इंक्रीजिंग इंडिसेस। द कंपोनेंट्स ऑफ अ पी फॉर्म मीन्स कंपोनेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द इंक्रीजिंग इंडिसेस DXI1, I2 up to Swan IP, increasing indices के लिए ये मैंने गोल ब्रैकेट, ये काली ब्रैकेट जो हम मैंने लगा दी राउंड ब्रैकेट, ये रिप्रेजेंट करती है कि हमने सिर्फ इंक्रीजिंग इंडेसेस लेनी है। सर ये लोकल बेसिस का एक दफा मतलब बता दें। लोकल बेसिस का मतलब होता है कि जो वेक्टर स्पेस है ना उसकी जो बेसिस सेट होता है उसको लोकल बेसिस भी कहते हैं। जी सर। सिर्फ बेसिस कह लें या लोकल बेसिस कह लें एक ही बात। सर ये कंपोनेंट ऑफ अ पी फॉर्म। जी कंपोनेंट क्यों कह रहे हैं? जो कोफिशिएंट्स होंगे वो कंपोनेंट होते हैं ना। देखिए हर टेंसर फील्ड के जो मसलन टेंसर है एक टी, उसका है टी आई डी एक्स आई, यानी कि टी जीरो जीरो वन टाइप का है, तो टी नीचे आई तो साथ डी एक्स आई आता है, तो डी एक्स आई उसका बेसिस सेट होता है और टी आई उसके कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी तो एक टेंसर फील्ड है तो इसके भी कंपोनेंट्स होंगे। बात समझ आ गई? कंपोनेंट्स विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि जब हम कंपोनेंट्स की पी फॉर्म की बात करेंगे तो हम जब भी किसी टेंसर फील्ड के कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो वो कंपोनेंट्स हम किसी ना किसी बेसिस सेट के हिसाब से लिखते हैं ना। वैसे तो कंपोनेंट्स नहीं होते, कंपोनेंट्स का तो डायरेक्ट रिलेशन है बेसिस सेट के साथ। ठीक है जी सर। तो वो इस वजह से कंपोनेंट्स कह रहे हैं कि कंपोनेंट्स जब बेसिस की रिस्पेक्ट से लिखेंगे तो वो बेसिस सेट इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम एक्सटीरियर डेरिवेटिव कहते हैं। एक डेरिवेटिव आप पढ़ चुके हैं ली डेरिवेटिव, ये दूसरा डेरिवेटिव आपके सामने आ रहा है एक्सटीरियर डेरिवेटिव। द एक्सटीरियर, और ये फॉर्म्स का होता है एक्सटीरियर डेरिवेटिव। द एक्सटीरियर डेरिवेटिव ऑफ अ पी फॉर्म थीटा इज अ पी प्लस वन फॉर्म डी थीटा। कहने का मतलब यह है कि अगर जीरो फॉर्म है तो उसका एक्सटीरियर डेरिवेटिव वन फॉर्म बन जाएगा, वन फॉर्म है तो उसका एक्सटीरियर डेरिवेटिव टू फॉर्म बन जाएगा, टू फॉर्म है तो उसका एक्सटीरियर डेरिवेटिव थ्री फॉर्म, यानी कि एक्सटीरियर डेरिवेटिव एक इंक्रीज कर देता है, एक फॉर्म बढ़ा देता है। फॉर एग्जांपल ये देख लें कि लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, अगर वो रियल वैल्यूड फंक्शन है तो वो एक जीरो फॉर्म है। जब मैं इसका डिफरेंशियल लेता हूं डी एफ तो बन जाता है पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डी वाई, तो ये एक वन फॉर्म, चूंकि इसमें डी एक्स और डी वाई इसके बेसिस सेट आ रहे हैं तो ये एक वन फॉर्म बन गया। यानी कि आपने जीरो फॉर्म का डिफरेंशियल लिया या डी उस पे ऑपरेट किया तो वो एक वन फॉर्म बन गई। वन फॉर्म पे ऑपरेट करेंगे तो टू फॉर्म बन जाएगी, वो हम आगे देखेंगे। डी एफ इज अ वन फॉर्म, दैट इज इट इज अ टेंसर फील्ड ऑफ टाइप जीरो वन। अगर कोई स्केलर है तो उसका जो टेंसर फील्ड है वन फॉर्म बनेगी उसका डिफरेंशियल। और अगर आप किसी डी एफ को वेक्टर फील्ड पे ऑपरेट करें, क्योंकि जो वन फॉर्म है वो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो वेक्टर फील्ड पे ऑपरेट होता है, तो डी एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है जैसे एक्स एफ पे ऑपरेट हुआ, देन डी एफ ऑफ एक्स इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो ये जो डी एफ है बेसिकली ये कोई नई चीज नहीं है, दिस इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है कैलकुलस के अंदर, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए इज डेल एफ डॉट ए। तो वो बेसिकली होता है ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए यूनिट वेक्टर, तो वो बेसिकली होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो ये जो डी एफ ऑफ एक्स है ये भी बेसिकली डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर वैल्यूड फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर फील्ड एक्स दे रहा होता है। इसके कुछ एक्सियम्स हैं छोटे छोटे कि अगर एफ जीरो फॉर्म है तो डी एफ ऑफ एक्स एक्स ऑफ एफ के बराबर होगी। D satisfies the wedge product rule. The D of theta wedge tau जो है, D theta wedge tau plus minus one power P theta wedge D tau. यानि कि theta अगर P form है, P even होगा तो plus sign आएगा, P odd होगा तो minus sign आएगा. तो अगर theta one form है, तो one form में D theta wedge tau minus theta wedge D tau होता है. One form के लिए हमेशा एक negative sign आता है.
when d is applied twice the result is zero, yani ki d square always zero hoga. Ye badi important result hai ki d square is always zero. To d square theta jo hai wo always, yani ki d theta liya us pe phir d operate kiya to wo always zero aaga for every p form. The operator d is linear. D of theta plus tau equal hota hai d theta plus d tau ke, yani ki aap pehle add kare tensors ko, fields ko, फॉर्म्स को, और फिर उस पर एक्सटीरियर डेरिवेटिव लें, या पहले एक्सटीरियर डेरिवेटिव लें फिर ऐड करें, दोनों सूरतों में रिजल्ट सेम रहेगा. ये एग्जांपल सी दी हुई है कि कंसीडर जी एक के फॉर्म है, जी डी एक्स आई वन डी एक्स आई टू अप टू सो ऑन डी एक्स आई के. आप इस पर डी थीटा ऑपरेट करें, डी थीटा ऑपरेट होगा तो ये डी जी आएगा डी एक्स आई वन डी एक्स आई टू अप टू सो ऑन डी एक्स आई के. चूंकि d डेरिवेटिव है तो प्रोडक्ट रूल लगना था, पहले g पे ऑपरेट होता बाकी एज इट इज, फिर g एज इट इज डी एक्स आई वन पे ऑपरेट होता. जब डी एक्स आई वन पे ऑपरेट होता तो वो डी स्क्वेयर एक्स आई वन बन जाना था. तो डी स्क्वेयर तो ऑलवेज जीरो होता है, तो इसलिए बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, सिर्फ डी जी पे ऑपरेट होगा. डी जी जो है वो होता है पार्शियल g बाई पार्शियल एक्स आई डी एक्स आई. तो पहले इसमें आई वन से लेकर k तक थे, यानी कि k फॉर्म थी. अब i 1 से k तक और प्लस एक i आ गया, तो ये k प्लस 1 d's आ गए हैं, तो ये k प्लस 1 फॉर्म बन गई. कहने का मतलब ये है कि जब भी d ऑपरेट होगा वो एक फॉर्म इंक्रीज कर देगा. k फॉर्म है तो उसे k प्लस 1 बना देगा, 2 फॉर्म है तो 3 फॉर्म बना देगा. ठीक है, जैसे ये मैं मिसाल दे रहा हूं m इज इक्वल टू आर क्यूब, यानी कि 3d के अंदर अगर आप देखें तो आर क्यूब के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं. अब अगर आप इसका एफ ऑफ एक्स वाई जेड लें कोई फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स तो वो जीरो फॉर्म बनेगी. इस पे डी ऑपरेट करें डी एफ तो डी एफ आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, वेयर एफ एक्स का मतलब है पार्शियल एफ बटा पार्शियल एक्स, एफ वाई का मतलब है पार्शियल एफ बटा पार्शियल वाई, और एफ जेड का मतलब है पार्शियल एफ बटा पार्शियल जेड. तो ये सबस्क्रिप्ट मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव्स. तो ये एक वन फॉर्म बन गई. तो कहने का मतलब है कि 3D के अंदर अगर कोई जनरल वन फॉर्म लिखें तो वो इस तरह की चीज बनती है एफ डी एक्स प्लस जी डी वाई प्लस एच डी जेड टाइप. अब मैं अगर इस वन फॉर्म पे डी ऑपरेट करूं तो मैं डी ऑपरेट करता हूं एफ डी एक्स प्लस जी डी वाई प्लस एच डी जेड पे, तो ये हो जाएगा डी एफ डी एक्स डी एफ पे ऑपरेट होगा. फिर एक्स डी एक्स पे ऑपरेट होना था वो डी स्क्वेयर बन जाता, तो डी स्क्वेयर जीरो होता है इसलिए वो लिखा नहीं हमने. तो ये तीन आ जाएंगी डी एफ डी एक्स प्लस डी जी डी वाई प्लस डी एच डी जेड. डी एफ की वैल्यू पुट करते हैं, ये ऊपर लिखी हुई है डी एफ की वैल्यू एफ एक्स एफ जेड डी जेड इंटू डी एक्स. डी जी की वैल्यू होगी जी एक्स डी एक्स प्लस जी वाई डी वाई प्लस जी जेड डी जेड इंटू डी वाई. और एच एक्स की वैल्यू एच डी एच की वैल्यू होगी एच एक्स डी एक्स प्लस एच वाई डी वाई प्लस एच जेड डी जेड और बायर डी जेड. अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स डी एक्स ऑलवेज जीरो, डी वाई डी वाई ऑलवेज जीरो, डी जेड ऑलवेज जीरो. पहले तो मैंने फुल मल्टीप्लाई करके लिखा. अब जो dx dx वाला टर्म है, dy dy वाली टर्म है और dz dz वाली टर्म है वो तो जीरो हो गई. dx dy वाली टर्म और dy dz वाली टर्म, जिस तरह ये टर्म है dy dz, ये लिखी हुई है dz dy और ये लिखी हुई है dy dz. इनमें से मैं dz dy को जब dy dz लिखूंगा तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा. तो एच वाई माइनस जी जेड डी वाई डी जेड, एफ जेड माइनस एच एक्स डी जेड डी एक्स और जी एक्स माइनस एफ वाई, यानी कि ये छह टर्में बचती थी, उनमें से जब हम इंटरचेंज करेंगे डी एक्स वाई को डी एक्स डी वाई को डी वाई डी एक्स लिखेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, जिसकी वजह से ये तीन टर्म्स रह गए डी वाई डी जेड डी जेड डी एक्स डी एक्स डी वाई. अब अगर आप देखें तो ये तो कंपोनेंट्स है और हर एक के साथ जो बेसिस सेट आ रहा है वो डी एक्स डी वाई डी वाई डी जेड और डी जेड डी एक्स आ रहा है. तो ये दो दो आ रहे हैं, दो दो का मतलब है ये एक टू फॉर्म है. तो मैंने वन फॉर्म पे डी ऑपरेट किया तो एक टू फॉर्म बन गई. वेयर वी हैव यूटिलाइज्ड दैट डी एक्स डी एक्स डी वाई डी वाई डी जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो, डी जेड डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी वाई डी जेड, डी एक्स डी जेड इज इक्वल टू माइनस डी जेड डी एक्स और डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी एक्स डी वाई. जब इंटरचेंज करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट की तरह एक नेगेटिव साइन आ जाए. इसी तरह जब हम टू, इसका मतलब है कि टू फॉर्म ऐसे लिखी जाती है कि उसके साथ दो दो डीज आए. तो टू फॉर्म इस तरह की चीज है एफ डी वाई डी जेड जी डी जेड डी एक्स और एच डी एक्स डी वाई. इस टू फॉर्म पे जब मैं डी ऑपरेट करूंगा तो फिर डी ऑपरेट हो जाएगा एफ पे डी एफ जी पे डी जी एच पे डी एच. फिर मैं वैल्यू पुट करूं एफ डी एफ डी जी और डी एच की वैल्यूज पुट की
तो अब जब भी दो सेम होंगे, जब सेकंड dy dy मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, dz dz होगा तो जीरो हो जाएगा, dx dx होगा जीरो हो जाएगा, dz dz होगा जीरो हो जाएगा, dx dx और dy dy जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ तीन ही टर्में बनती बचती हैं, पहली टर्म में से fx dx dy dz, दूसरी में से gy dy dz dx, और तीसरी में से hz dz dx dy। और ये साइकिल में अगर चेंज करें तो ये तीनों सेम होते हैं, dx dy dz इक्वल होता है dy dz dx के और dz dx dy के। तो इसमें से dx dy dz कॉमन आ गया, तो अंदर बचा fx plus gy plus hz into dx dy dz, इसके साथ तीन d's आ रहे हैं, therefore it is a three form। इंपॉर्टेंट रिमार्क है कि वेज प्रोडक्ट ऑफ टू सेम डिफरेंशियल्स इज ऑलवेज जीरो, दैट इज dx dx इज ऑलवेज जीरो, और dx dx dy, यानी कि दो सेम हो जाए तो ऑलवेज जीरो होगा। ये हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि जब भी आप यूटिलाइज करेंगे तो जहां सेम आ रहे होंगे वो जीरो हो जाएंगे। तो आपने देखा कि हमने आर थ्री के अंदर जीरो फॉर्म पे डी लगाया तो वन फॉर्म बन गई, वन फॉर्म पे डी लगाया तो टू फॉर्म बन गई, टू फॉर्म पे डी लगाया तो थ्री फॉर्म बन गई। जी एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हो यहाँ? जी सर, ये जो एक्सियम्स पढ़े हैं सर, ये नहीं समझ आ रहे। एक्सियम? जी सर, ये एक्सियम ना कौन सा इसमें से समझ नहीं आया, मैं बता देता हूँ। एक तो ये है कि ये तो आप पीछे पढ़ के है ना, यही रिजल्ट हमने दोबारा रिप्रोड्यूस किया कि डी एफ ऑफ एक्स का मतलब होगा एक्स एक्स एफ पे ऑपरेट हुआ, यानी के पहले डी ऑपरेट करें एफ पे, फिर उसको अगर वेक्टर फील्ड पे ऑपरेट करें तो उसका मतलब ये है कि वेक्टर फील्ड को एफ पे ऑपरेट कर। दूसरा यह है कि डी सेटिस्फाइज द वेज प्रोडक्ट रूल। वेज प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि पी फॉर्म जब भी होगी, वैसे तो प्रोडक्ट रूल ये होता है कि सम के साथ आता है, लेकिन जब वेज प्रोडक्ट होता है तो सम के साथ नहीं आता, बल्कि जो पहला पहला जो आपका है फॉर्म उसकी टाइप पे आता है। वो इवन है तो माइनस वन पावर पी, यानी कि इवन है तो प्लस साइन होगा, ऑड है तो माइनस साइन होगा। बाकी डेरिवेटिव उसी तरह के, पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, प्लस पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव। सिर्फ ये इजाफी चीज है कि माइनस वन पावर पी साथ लगेगा, पी अगर इवन है तो प्लस होगा, पी अगर ऑड है तो, यानी कि अगर वन फॉर्म है तो ये माइनस साइन हो जाएगा क्योंकि वन ऑड होता है। और जब डी ट्वाइस ऑपरेट होगा, डी स्क्वायर ऑलवेज जीरो होगा, और डी लीनियर है कि डी ऑफ थीटा प्लस टॉ इक्वल होगा डी थीटा प्लस डी टॉ। जी कुछ स्पेसिफिक आपके बाद पूछ लिया तो पूछ सर। पहले हम दो टेंसर का वेज प्रोडक्ट लेंगे, उसके बाद डी अप्लाई करेंगे। दोनों सूरतें, यानी कि अगर पहले वेज प्रोडक्ट ले और फिर डी ऑपरेट करें, या पहले आपने डी लिया हुआ हो तो फिर ये वाला फॉर्मूला, यानी कि वो राइट साइड से जाएंगे तो इस तरह से जाएंगे, लेफ्ट साइड से जाएंगे तो इस तरह से जाएंगे। जी सर। और सर ये जो डी हमने डिफाइन किया है, डी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ एफ, ये खुद से डिफाइन किया है डायरेक्शनल डेरिवेटिव? नहीं, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है ना इस तरह से। जी सर, ठीक है। तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव डिफाइन हुआ है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव को जब हम इसको एक्सटीरियर डेरिवेटिव के फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो इस तरह से डिफाइन करेंगे कि डी एफ बेसिकली एक आपके पास बन गया ना 0-1 टाइप का टेंसर फील्ड ऑफ टाइप 0-1, और 0-1 के टाइप के जो टेंसर फील्ड होते हैं वेक्टर फील्ड्स पे ऑपरेट होते हैं, उनका जो डोमेन सेट बनता है वो सेट ऑफ वेक्टर फील्ड्स बनता है, इसलिए डी एफ जो है एक्स पे ऑपरेट होता है। क्योंकि सर एफ जीरो फॉर्म होता है, इस वजह से जब डी अप्लाई करेंगे तो वन, तो वो वन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक सर। f हमेशा जीरो फॉर्म होगा चाहे जी, स्केलर वैल्यूड फंक्शन हमेशा जीरो फॉर्म, क्योंकि उसके साथ कोई बेसिस सेट नहीं होता। ठीक है, टेंसर फील्ड बनने के लिए तो बेसिस सेट साथ होना चाहिए। जी आप इसको पढ़िएगा भी सारे, फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप WhatsApp पे भी पूछ सकते हैं या अगली क्लास में कल इंशाल्लाह पूछ लीजिएगा क्लास से पहले। ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू जी। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज़।